जाते हो, हम तो इतना देर लगाते हैं, आपने इतना देर लगाया था तैयार होने में, हम तो बिल्कुल रेडी हो गए थे। सो गाइस हम लोग पहुंच गए इंदौर में और आपको दिखाते हैं इंदौर की गलियां और यहाँ का खाना, सराफा बाजार। और हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए सराफा बाजार में। इंदौर शहर बहुत चीजों के लिए फेमस है, लेकिन शहर के बीचों बीच एक बाजार है जहाँ बाकी बाजार खत्म होते हैं, बंद होते हैं, ये बाजार शुरू होता है। चलिए चलते हैं हम सराफा बाजार। तो पहला स्टॉप है हमारा जोशी जी के दही बड़े खाने के लिए। इनका एक अलग ही नाम है, आपने बहुत सुना होगा फ्लाइंग दही बड़े। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं ये। बड़े और ये देखने में बहुत स्वाद लग रहे हैं, और अभी मेरा भाई खा के दिखाएगा कि इन्हें कैसे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, और अब देखते हैं खाने में कैसे हैं। बहुत अच्छे, अल्टीमेट। हाँ अल्टीमेट, तो भैया की बात चल रही है तो बहुत अल्टीमेट है यार। इंदौर आओ, आपने जो जी के दही बड़े नहीं खाए, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो चलते चलते मेरे नाक में जो खुशबू आई, ये जलेबी की खुशबू, ओ भाई। और जलेबी देखते थे तो मेरे तो मुंह में तो बहुत सारा पानी आ चुका है। चलिए देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी जलेबी बनते हुए और खाते हैं इन्हें। जलेबी है, जलेबा। हाँ जलेबा, इतनी बड़ी जलेबी आपके भोपाल में मावे वाली मिलती है, मेदे वाली। इतनी बड़ी तो नहीं होती, उसका साइज मिलती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं मिलती है। छोटी छोटी मिलती है, मावे की मिलती है। छोटी छोटी मिलती है, हिंदुस्तान में तीन जगह बड़ी मिलती है, दिल्ली, गोवाना, इंदौर। गरम गरम जलेबियाँ। आप फूड ब्लॉगर हो तो अच्छी बात है। Eagerly waiting, and you guys know the drill, like, share, subscribe. वो भी इतनी बड़ी, वो भी इतनी बड़ी जो कि भोपाल में नहीं मिलती है। और अब हम इसे डालेंगे चाशनी। तो फाइनली हमारी जलेबी रेडी हो चुकी है। और देखो क्या इतनी बड़ी जलेबी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं तो यहाँ पर। और इससे कहते हैं इससे भी बड़ी पूरे एक किलो की भी जलेबी बन सकती है यहाँ पर। जलेबी नहीं खाई आपने, मीठे के बगैर हमारी जिंदगी चलती नहीं, और जलेबी के बगैर तो हम लोग रह नहीं सकते। और मैं जलेबी का बहुत बड़ा चाशनी हूँ, बोल दे। और गाइस अब देखिए कितने मजे से जलेबी खा रहे हैं, और मैं खड़ी हुई हूँ। साबूदाना खिचड़ी, और ये मिक्सचर है, शक्कर का बूरा, मसाला, और नींबू, और ये धनिया। क्योंकि मेरे को साबूदाना पसंद है, ये सब कुछ खाने में नहीं खाई। आपको कैसा लग रहा है? अच्छी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो फरियाली सोडा, लेमन सोडा, मिर्चानी सोडा और बहुत सारे सोडास मिलते हैं यहाँ पे। ये मिर्ची ना फ्लोर है, ये लो कौन देंगे। आपको मालूम है कैसे पीते हैं? एक सांस में जितना मुंह पे लगाना स्पीड से पीना, बाहर आता वो। हाँ हाँ ठीक है, बहुत ध्यान लगाओ मुंह पे लगाओ। ओह ओह गया गया गया, वो कितनी स्पीड एक सबके नहीं रहती ना। बहुत ज्यादा ही अच्छा है ये तो।
तो अब ये हमारा लेमन सोडा तैयार है और अब पापा से पीने वाले हैं। पापा पापा ऑल सेट, धीरे धीरे पापा बिल्कुल तैयार। पापा बाहर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ ये आपका टास्क है। हम हेमंत भाई के पास फालूदा खा रहे, वो भी खा रहे। आइए सरकार, ये है फालूदा की सिवैया, ये है केसरिया रबड़ी और ये सब्जा जो दूध में गलाया गया है। ये हल्का सा मौसम के हिसाब से आइस, ये रोज का शरबत और नीमा की फेमस मटका कुल्फी। हेमंत भाई बड़ा टेस्टी लग रहा है। हाँ जी बड़ा टेस्टी लग रहा है। टेस्ट होगा तभी तो मजा आएगा ना भाई। इसमें भी एक बात है ना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरा है। ये भी है। लाइन आप देख सकते हो, अच्छा नहीं है तो आपको मजा नहीं आया तो मेरे को मजा थोड़ी आएगा। तो बड़ा वेनिला देना उधर से। ये फर्स्ट का शरबत, ये रोज का शरबत। अभी कल डिस्पोजल बंद है ना, इस कारण टेम्परेरी डिस्पोजल चल रहा है। अच्छा हाँ, उल्टी पल्टी वालों को कुछ कहा है। हाँ अच्छा है ना, वो छठी बार भी हमको मतलब नंबर फर्स्ट पे आना है तो क्या है कि थोड़ा तो ये रेडी हो गया है हमारा एक नंबर फलूदा। अगर ये अच्छा लगा तो आपका खराब मेरा है। अच्छा लो भैया, यहाँ पर आओगे तो गारंटी मिलता है आपको। आप खा के बताओ कैसा लग रहा है। हेमंत भाई की गारंटी है, अच्छा नहीं होगा तो वापस ले लो। बहुत अच्छा है, पहली बार ऐसा खाया मैंने। सही में पहली बार बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है। एक बार में पूरा खाया। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। Again, cheers. Every spoon is worthy. Every. तो आइसक्रीम खाने के बाद हमें ये दिखी डोसा क्राफ्ट और यहाँ पे ना बहुत गर्मा गर्म डोसे बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी डोसा ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ डाला पहले डोसा का बैटर, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च, टमाटर, इनके कुछ स्पेशल मसाले, फिर सॉस और फिर इसे ये मैश करेंगे और फिर इन्हें इसे मैश किया और अब देखते ये बन गया। नहीं इसमें बटर भी डाला है, बटर भी डाल रहे हैं और जो खुशबू है, ये खुशबू गाइस इतनी अच्छी लग रही है, मेरे ना मुंह में अभी से पानी आने लग गया और मैं सोची कब बन जाए जल्दी जल्दी बन जाए और मैं कैसे खाऊं। और लगता है अब ये बन गया है या इसमें कुछ और भी डालेंगे ये देखते हैं। अरे इसमें चीज़ भी डाल रहे हो और गाइस देखो आप चीज़ कितनी सारी चीज़ है। अगर आप मेरी तरह चीज़ लवर हो तो फिर तो ये डोसा आप ही लोगों के लिए, डेफिनेटली आप ये चेक इट आउट करिए। और अब हम इसे खाते हैं। Ha 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 ha
तैयार है हमारा चिली डोसा खाने के लिए। मैडम कैसा है? अब हम एक बाइट लेते हैं। तो इंदौर में पोटैटो ट्विस्टर बहुत ज्यादा फेमस है, तो हमने चलते चलते नजर पड़ी हमारे पोटैटो ट्विस्टर पे। चलिए देखते हैं होते कैसे हैं। आजकल यहाँ पे ऐसे हाथ पकड़ के जाते जाते खुशबू, ये खुशबू तो सभी पूरे बाजार में खुशबू ही खुशबू है, लेकिन जाते जाते हमें सैंडविच की खुशबू आई और जाके हम पहुंच गए सावरिया सैंडविच वाले के पास। एक मिनट करा तो जी, ये मायो चिली सॉस ये भाई।
ये प्याज, ये कैप्सिकम, ये टमाटर, ये मसाले की आलू का कॉर्न तो बेटा सांभर या क्या ये हमारा खुद का तैयार किया हुआ मसाला है, इसे कुछ करो ये बहुत शानदार है। ये पनीर ये हमारी दुकान पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला सैंडविच है। अच्छा सांभरिया स्पेशल जी डबल डबल ट्रिपल लेयर का बनता सर, ट्रिपल लेयर का बनता तैयार बटर है सर, अमूल का बटर लगा दिया भैया ने। ये ग्रीन चटनी सर, ये टमाटो सॉस हल्का सा। देख सकते हैं ये कितना यम्मी लग रहा है यार। ऊपर एक और मच्छर हल्की सी आई थी अब हम इसे ट्राई करते हैं। चीयर्स। वैभव जी बनाएंगे चॉकलेट थंडर। ये सर चोकोस, ये हर्षी सिरप, और ये कैरेमल डल रहा था कंडेंस मिल्क ये लीजिए सर तैयार हो गई है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अपने होटल में वापस और खाना वाना तो आपने देख लिया। और आप इंदौर में आए और आपने सराफा बाजार में जाके ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं की तो आपने इंदौर में आगे कुछ भी नहीं किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे दोनों चैनल देखते रहना टाइम बता एंड इसी को लाइक। बाय।